गुड मॉर्निंग ऋषभ। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया और मजे होंगे। तो आज है 11th ऑफ अगस्त और ऋषभ अभी अभी उठा है। हेलो ऋषभ, क्या चाहिए, क्या चाहिए बोलो तो मुझसे। क्या हुआ था भाई? गुस्सा क्या हुआ बताओ तो। ऋषि की पैंट गिरी हो गई, लॉक चेंज कर दे। पैंट बाद में। तो कल रात को ऋषभ जल्दी सो गया था, लगभग 9 बजे, और मैं बड़ा खुश हुआ कि आज मैं आराम से सो जाऊंगा। बट ऋषभ रात में 12 बजे फिर से उठ गया और फिर सोया है 3 बजे, और 3 घंटे तक लगातार जगराता चला हम लोग का, और मेरी हालत ख़राब कर दी इसने। तो कुछ दिन पहले मैंने पोहा की एक पिक डाली थी स्टोरीज़ में, और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि भैया पोहा की रेसिपी शेयर करिए। तो अभी पोहा के लगे हुए ऑर्डर्स और मैं जा रहा हूँ बनाने, तो मैं रेसिपी भी शेयर करता हूँ हम लोगों के साथ। तो अभी ये मूंगफली ड्राई रोस्ट हो रही है, तो अब मैं इसको क्रश कर लूँगा और इसका छिलका निकाल दूँगा। और काफ़ी गर्म है अभी भी, गैस ऑफ कर दी थी मैंने। तो पोहा बनाने के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे आलू, प्याज, अदरक, मिर्ची, धनिया, आलू, मटर, पोहा। तो प्याज को यहाँ पे रफली चॉप कर लेना है और अदरक को ग्रेट करना है। तो सब्जियाँ कट गई हैं, प्याज, आलू, धनिया, मिर्चा, अदरक। और तड़के के लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे ये काली सरसों है, जीरा, कड़ी पत्ता और ये मूंगफली। और थोड़ा सा रिफाइंड, और तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक पोहा डाल लेता हूँ मैं इसमें। और इसको चलते पानी में खाली रिंस करना है खाली। तेल गर्म हो चुके हैं और अब मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे जीरा और काली सरसों, कड़ी पत्ता और मूंगफली। अब मैं डाल रहा हूँ प्याज, मिर्चा और आलू। तो मसालों में मैं ले रहा हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और ये चाट मसाला। और इसके अलावा थोड़ी सी चीनी, बिल्कुल ज़रा सी, लखनऊ में वैसे भी लोगों को ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है। तो आलू लगभग 50% तक पक चुका है और मैं डाल दूँ उसमें मटर। थोड़ी सी हल्दी इसको डालनी है, हल्दी डालने के बाद हल्का सा टॉस कर लेना है इसको। आलू लगभग पक चुके हैं
तो अब पोहे को बहुत ही हल्के हाथों से चलाना है और एक्चुअली पलटना है खाली, और उसके बाद 5 मिनट के लिए इसको स्टीम में ही एकदम लो फ्लेम पे स्टीम होने देना है और फिर ये रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने डाल दिए धनिया और एंड में भी धनिया गार्निशिंग के लिए डालूंगा। बहुत खिला खिला बना हुआ है। तो ऑर्डर्स रेडी हो चुके हैं, मैं जा रहा हूँ डिलीवर करने। रिशु इधर आओ। सो फाइनली आई एम बैक होम, और जैसे ही घर पहुंचा वैसे ही ऋषभ को पोटी आ गई। फिर मैंने ऋषभ को नहलाया धुलाया, इनको रेडी किया, और अब फाइनली मैं बैठा हूँ आराम से। तो मेरा जो काम है वो बेसिकली डिलीवरी का काम रहता है, तो बाहर मुझे ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, और इसकी वजह से मैंने नोटिस किया था कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और हेयर फॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और थिकनेस भी बहुत कम हो गई थी बालों की। तो अभी मैंने अपनी डाइट में इंक्लूड किया है ओजीवा का बायोटिन, और बेसिकली बायोटिन एक वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है जो कि नेल्स और हेयर्स की ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। और तो ओजीवा बायोटिन पाउडर एक कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, और वेजिटेरियंस जो होते हैं, जो लोग वेजिटेरियंस होते हैं, वो इसको बिना किसी डर के कंज्यूम कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये, और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और काफ़ी जल्दी इसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, और मैं फील कर सकता हूँ इसके रिजल्ट्स। तो इसको कंज्यूम करना भी मैं बता देता हूँ कैसे कंज्यूम करना है। तो एक से दो स्कूप इसमें और ये है लगभग 100 ml पानी। तो टेस्ट भी काफी सही है इसका। तो आज मैं और ऋषभ अपना पहला लाइव करने वाले हैं। ऋषभ आर यू एक्साइटेड? से यस। से पहले ऐसे करो यस। ओके, तो आज हम लोग पहला अपना लाइव करेंगे, मैं और ऋषभ। और मैं अभी से नर्वस फील कर रहा हूँ, पता नहीं ऋषभ का क्या हाल है। और आज थोड़ा थोड़ा मैचिंग हो गई हम लोग की शर्ट। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन गुड नाइट एंड बाय बाय।